सो है गाइस, इस वीडियो में आप सभी को क्या कैब राइड दिखाने वाला हूँ। जैसे कि हमने लास्ट ब्रिज वाला लेआउट में एक ट्रेन चला के दिखाया था, रनिंग टेस्टिंग करके दिखाया था, तो उसी ट्रैक में हम क्या कैब राइड दिखाने वाले हैं अब सभी। उससे पहले मैं आपको डिवाइस दिखा देता हूँ, किस डिवाइस से मैं शूट करने वाला हूँ कैब राइड, तो वो दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये रहा लेआउट। लेआउट का थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेट कर दिया सारे ट्रेन को लगा के। और ये रहा गाइस वो डिवाइस जिससे कि मैं कैब राइड शूट करने वाला हूँ। तो लगा देता हूँ मैं ट्रैक पर, करते हैं इसे चालू। तो कैब राइड स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, इसे मैं इंजन के थ्रू नहीं चलाऊंगा क्योंकि ये बार बार डिरेलमेंट हो जा रहा था, इसलिए मैं सिंपली मैं आपको हाथ से चला के दिखाऊंगा। बाकी आपको एज इट इज़ वैसा ही व्यू मिलेगा जैसे कैब राइड में होता ही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर चैनल पर नए हो तो। और एक बात गाइस, मैं सोच रहा था कि जैसे कि मैं कैमरा को ऐसे लगा कर कैब राइड का वीडियो बनाता हूँ, इससे क्या दिक्कत होती है कि एक तो ये स्टेबल नहीं रहता है, बार बार ट्रेन डिरेलमेंट हो जाता है। तो गाइस, मैं सोच रहा था कि इस कैमरे के लिए इस इंजन को मैं मॉडिफ़ाई करूँ ताकि आप लोगों के लिए एक स्टेबल फुटेज दे पाऊँ आगे। क्या मेरे को इसे मॉडिफ़ाई करना है इस कैमरे के लिए ताकि आप लोगों के लिए एक बेहतर फुटेज दे पाऊँ, स्टेबल और बेहतर फुटेज दे पाऊँ? तो कमेंट सेक्शन में बता दो गाइज अपना अपना ओपिनियन। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।